अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। 6 बजे की हेडलाइंस के साथ महावट। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस का बहरान जारी है। मुख्तलिफ शहरों से गैस की अदम दस्तयाबी और लो प्रेशर की शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से शदीद सर्दी में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सुई नार्दर्न हकाम के मुताबिक गैस की रस्त में बेहतरी आई है और 31 दिसंबर से जनरल इंडस्ट्री को गैस बहाल करने का फैसला किया गया। तर्जमान सुई नार्दर्न के मुताबिक गैस बहाली का फैसला मॉल गैस फील्ड से गैस सप्लाई की बहाली और RLNG सप्लाई में इजाफे के बाद किया गया है। सनअती शोबे को गैस सप्लाई की बहाली के बाद CNG स्टेशन को भी जल्द गैस बहाल कर दी जाएगी। हकान का कहना है कि दिसंबर 2018 में घरेलू शोबे को औसतन 150 MMC FT RLNG फराहम की गई थी, जो रवां साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 500 MMC FD से तजावज कर गए हैं। मसलर डाकू दुरानी डकैती कर और पुलिस ऑफिसर समेत 5 अफराद के 3 कातिल छुड़ा कर ले गए। ख्वाजा सफदर रोड पर पुलिस अहलकारों पर फायरिंग करके कत्ल के 3 मुलजमान छुड़वा लिए गए। सियालकोट मुलजमान इमरान सफियान तजीम को अदालत से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद थाने मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजमान 2 बेटियों बाप पुलिस अफसर समेत 5 अफराद के कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस थे। 6 मसलह मुलजमान 3 साथी मुलजमान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने में कामयाब। मकबूल मुलजमान 1 साल कब सब इंस्पेक्टर को भी कत्ल करके फरार हो गए थे। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस अहलकार बाल बाल महफूज, डाकू अहलकार की राइफल भी छीन कर ले गए, गाड़ी को नुकसान। चविंडा कचरा रूड़ी से 9 मौलूद बच्चे की नाश बरामद। इंतहाई दिल खराश वाकया पसरूर के मोहल्ला ताजपुरा में पेश आया। कचरा रूड़ी से 9 मौलूद बच्चे को नामालूम जोड़े ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मासूम जान को पैदाइश के बाद कचरा पर फेंक दिया, जहां इसकी मौत वाकया हो गई। रेस्क्यू 111 टोटो ने इतला पर 9 मौलूद बच्चे की नाश को कब्जे में ले लिया है। थाना सिटी पसरूर ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस अफसर फखरुज़्ज़मान का कहना है कि जल्द मुलज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अंजुमन हिजमत हल्का महाना मशावरत तजियात एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान का इजलास। सदारत मियाँ सईद ने इजलास से खिताब करते हुए सीनियर बोर्ड मेंबर खान अब्बास खान ने कहा है कि अंजुमन हिजमत हल्के चलने वाले जज्जा बच्चा अस्पताल और 2 अदद वोकेशनल स्कूल की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल को बरकरार लाया जाएगा और अदारे की तरफ से अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन पर गिरा कदर सब्सिडी मुहैया करना एक मुस्तहसन अमल है। सदर अंजुमन हिजमत हक ने कहा कि अदारा का 17वां सालाना इजलास मार्च 2020 में शायान शान तरीके से मुनक्कद करवाया जाएगा और इलाका में गुर्बत दूर करने के सिलसिले में वोकेशनल सेंटर्स की हौसला अफजाई की जाएगी। अजलास में बोर्ड मेंबरान अनवर मुगल एडवोकेट साहजादा मौलाना अयूब खां, अनवारुल हक महमूदुल हसैन एडवोकेट हाफिज अब्दुल गफ्फार अब्दुल रहमान बदर राना जरार खान और दीगर मेंबरान ने शिरकत की और मेडिकल कैंप 2019 की कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की और डॉक्टर्स की मुआवनत पर इनका शुक्रिया अदा किया। इजलास के आखिर में साहजादा मौलाना अयूब खां ने मुल्क व मिल्लत की समाज सालमियत के लिए दुआ की।